खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिले के शिकोहाबाद नगर आईटीआई कॉलेज में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इस रोजगार मेले में भाग लिया। मेले में कई कंपनियों ने लाभार्थियों को मौके पर नियुक्ति पत्र दिए। रोजगार मेले में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा भी मौजूद रहे। क्या मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि मेले के माध्यम से नौजवान बच्चों को रोजगार मिले, नौजवान बेटियों को रोजगार मिले, ऐसे रोजगार मेले में आज हम आईटीआई स्कूल जो सुखाबाद में है, यहाँ पर हमारे बीच में संयुक्त निदेशक योगेंद्र सिंह जी, केडी मिश्रा जी और सभी आईटीआई से जुड़े हमारे टीचरगण यहाँ उपस्थित हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहन और भाई भी कम से कम तो होंगे, यहाँ 500 बच्चे यहाँ एकत्रित। और इस विद्यालय में, इस आईटीआई कॉलेज में 14 कंपनियाँ आई हैं। उन 14 कंपनियों में मुझे लगता है कि 1700 से ज़्यादा बच्चों को उन्हें लेना है। और जो भी बच्चे उन कंपनियों में फिट होंगे, निश्चित रूप से 1700 से भी ज़्यादा बेटे और बेटी यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। निश्चित रूप से इनके घर में, इनके परिवार में और ख़ास तौर से इनके मन में खुशहाली आएगी। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, साथियों मैं तो बधाई देता हूँ। और इस रोजगार मेले में इतने बहन और भाई यहाँ उपस्थित हैं, इनकी तरफ से भी मैं बधाई देता हूँ कि इन बच्चों को जब ये रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से इनके घर में, इनके परिवार में, इनके दिल में खुशहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।